Hey guys, do not forget to subscribe and hit the bell icon for ongoing updates on this channel. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीजेनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मुझे बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, सर FL स्टूडियो कहाँ से मिलेगा हमको, किससे खरीद सकते हैं, आप उसका प्राइस बता दीजिए वगैरह वगैरह। देखो, बहुत लोग अभी तक ये नहीं मालूम कि FL स्टूडियो हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो या डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन हो, हम लोग एक्चुअली आजकल नेट से ही खरीदते सब कुछ। कोई बॉक्स वर्जन आजकल आता नहीं ज़्यादा, कभी कभी कोई कोई मिल जाता आपको, जैसे क्यूबेस हो गया ये सब, लेकिन आजकल ज़्यादातर सब ऑनलाइन ही मिलता है आप लोग को। अगर आपको FL स्टूडियो कोई बेच रहा है या इंस्टॉल करके दे रहा है, प्लीज़ वो मत लीजिए। मालूम नहीं है वो क्रैक वर्जन होगा और किसी का लेगा और आपको ठग लेंगे और पैसा भी बनाने का कोशिश कर रहे हैं बहुत लोग इस चीज़ में, तो प्लीज़ ऐसा मत लीजिएगा। अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा और एक्स्ट्रा पैसा डाल के ओरिजिनल वर्जन ले लीजिए, बिकॉज FL स्टूडियो जैसा सॉफ्टवेयर जो है पूरे लाइफ लॉन्ग का आपको अपडेट मिलेगा, जो और कोई सॉफ्टवेयर बेसिकली देता नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे एक सब्सक्राइबर है जिसने एक क्वेश्चन पूछा था। तो ये हमारे सब्सक्राइबर है जो पूछ रहे हैं, वर्मा, सर FL स्टूडियो को किस प्रकार इमेज लाइन से किस तरह परचेज करके एक वीडियो बना दो सर, बहुत लोग इसके बारे में नहीं पता। अभी बेसिकली जो वर्मा जो पूछ रहे हैं, अभी बेसिकली जो वर्मा पूछ रहे हैं कि परचेज कैसे करते हैं हम लोग और उसको कैसे हम लोग इंस्टॉल करें, जो भी है उनका क्वेश्चन बेसिकली ये था। तो अभी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली मेरे स्क्रीन में। मुझे एक्चुअली लाइव क्वेश्चन में भी बहुत लोगों ने पूछा था, यार सर ये कहाँ से हम लोग खरीद सकते हैं, मतलब FL स्टूडियो हो या दूसरा हो। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, चलिए हमारे स्क्रीन पे। तो जिन जिन को लोगों को मालूम नहीं है FL स्टूडियो कहाँ से हम लोग ले सकते हैं, आप जाके इमेज, ये देखिए इमेज, ये डैश डाल दीजिए line.com, ठीक है, और आप पहुँचेंगे FL स्टूडियो के पेज में, बिकॉज FL स्टूडियो का कंपनी का नाम है इमेज लाइन। और उधर जाके आप देखिए, इधर से डाउनलोड कर सकते हो, ट्रायल हो या फुल इंस्टॉल हो, ठीक है, ये डाउनलोड कर लीजिए आप, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं डाउनलोड कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को भी क्या है, मेरा भी शायद अपडेट आ चुका होगा तो मैं उसको भी ये कर लेता हूँ। अभी देखिए 20.6.2 है, तो मेरा पास 20.6 था। तो एनीवे, जो भी है, अगर आप नया इंस्टॉल कर रहे हो तो आप ये भी इंस्टॉल कर सकते हो, ये डाउनलोड कर लीजिए। तो अभी मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। तो ये जब तक डाउनलोड होता है मैं आप लोगों को बता दूं, आप अगर परचेज करना चाहते हो आप ये बाई FL स्टूडियो में जा सकते हो। ये बाई FL स्टूडियो में आप जाएंगे, आपको ये पूरा प्राइसिंग का पूरा डिटेल आपको मिलेगा, देखिए, ठीक है। FL स्टूडियो का 4 डिफरेंट वर्जन्स है, वर्जन्स मतलब पूरा FL स्टूडियो मिलता है, लेकिन ये प्लगइन्स जो होता है उसके लिए वो लोग अलग अलग चार्जेस करते हैं। अभी मैंने जो खरीदा है, मैंने ये FL स्टूडियो जो है प्रोड्यूसर एडिशन खरीदा है, जो मेरे लिए मुझे लगा कि काफ़ी है, बिकॉज उसमें मेरे को ऑडियो रिकॉर्डिंग चाहिए था, प्लेलिस्ट फीचर्स चाहिए था और 7 एडिशनल नेटिव प्लगइन्स। अभी पहला वाले में क्या है, आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते, ऑडियो क्लिप्स नहीं इंपोर्ट कर सकते और लिमिटेड प्लेलिस्ट फीचर है। तो मुझे जो लगता है बेसिकली ये जो है, अगर आप ये लेंगे $199 का जो है, ये सबसे अच्छा रहेगा, बिकॉज सब कुछ है इसमें, देखिए इसमें भी, बस बाकी सब में क्या है, एडिशनल प्लेलिस्ट मतलब प्लेलिस्ट नहीं सॉरी VST प्लगइन्स का ये है, वो VST प्लगइन्स तो आप कहीं से भी डाउनलोड भी कर सकते हो। तो अगर आप ये लेंगे, बाकी सब प्लगइन्स जो आप ख़रीद भी सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सब इतना पैसा दे के ये प्लगइन्स लेके फ़ायदा है कुछ, तो मैं ये सब लेता नहीं हूँ, मैंने सिर्फ ये वाला लिया हुआ है, समझ गया। अभी चलिए, हमारे ये डाउनलोड हो चुका है, हम लोग ज़रा इसको खोलते हैं, शो इन फोल्डर, मैं अभी इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। मैं हमेशा जब इंस्टॉल करता हूँ FL स्टूडियो, मैं एक्चुअली रनर्स एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा सेफ रहता है विंडोज़ सिस्टम के लिए। तो अभी मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। तो इंस्टॉलेशन हमारे इधर ख़त्म हो चुका है। अभी इधर बता रहा हमको, अगर आप FL स्टूडियो ओन करते हो, एंटर योर इमेज लाइन अकाउंट ईमेल पासवर्ड इन दी अबाउट विंडो टू अनलॉक द प्रोग्राम फ्रॉम डेमो मोड। तो ये जो पूछ रहे हैं, अभी अगर हमने परचेज किया तो हम लोग एक्चुअली FL स्टूडियो के अंदर ही हम लोग उसको रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो इधर से कर सकते हो, इधर यूज़र प्रोफाइल खोल सकते हो और उधर से रजिस्ट्रेशन कोड डाउनलोड कर सकते हो। मैं अभी दिखाता हूँ आपको दो तरीके का, जो भी है। नेक्स्ट मारते हैं हम लोग, ये नहीं चाहिए मुझे, नेक्स्ट, फिनिश। तो अभी मेरा इंस्टॉलेशन हो चुका है पूरा। अभी मुझे FL स्टूडियो अगर मैं खोलूँगा, ये देखिए, ये है मेरा FL स्टूडियो, ठीक है। अभी हमने जो वर्जन लिया था मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा FL स्टूडियो, अभी
ठीक है, हमने जो वर्जन लिया होता और हमारा वर्जन अगर सेम है तो देखने के लिए हेल्प में जाके अबाउट मार दीजिए। तो इसमें दिखा रहा अभी 20.6.2 देखा, बिल्ड 1549। तो अभी हम लोग ज़रा चेक करते हैं हमारा जो वर्जन है और जो हमने जो डाउनलोड किया है सेम है कि नहीं। अभी इधर ये लोग क्या बता रहे हैं देखिए, बिल्ड वर्जन 20.6.2 1549 है कि नहीं, ये बिल्ड। तो इधर देखिए हमारा 20.6.2 बिल्ड 1549, ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा वर्जन अपडेटेड है कि नहीं। अभी मैं जाके साइन इन कर रहा हूँ मेरे अकाउंट में, बिकॉज मैंने ऑलरेडी ये परचेज किया हुआ है तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना है। तो अगर आप लोग इधर जा रहे हो तो आप एक्चुअली रजिस्ट्रेशन करके साइन इन कर सकते हो। तो ये मैं अभी अपना लॉग इन कर रहा हूँ। तो एक बार लॉग इन होने के बाद आपका लॉग इन डिटेल्स में आप पहुँच जाते हो, अपना पूरा जो आपका जो FL Studio का जो डिटेल है, आपको क्या क्या चाहिए। अब इधर से भी आप अपग्रेड कर सकते हो, अगर आपका प्रोड्यूसर एडिशन से आपको सिग्नेचर पे अपग्रेड करना है या ऑल प्लगइन्स बंडल में अपग्रेड करना है, आप इधर से भी अपग्रेड कर सकते हो। अभी देखिए इधर पर्सनल डाटा है आपका और उसके बाद अनलॉक प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो आप इधर से अनलॉक प्रोडक्ट में भी जा सकते हो। अभी इधर आपको दिखाता है कि अनलॉक में कहाँ से हम लोग कहाँ से कर सकते हैं। तो इसमें डिटेल्स दिया हुआ है कि पूरा इंस्टॉलेशन और रजिस्ट्रेशन का और अनलॉक VST अल्टरनेटिव अनलॉक फॉर FL Studio। तो मैं आपको बताया, तो इधर से जो है मैं ये क्लिक लिंक करूँगा टू डाउनलोड द FL रजिस्ट्री की, मैं इसको लिंक करूँगा तो मुझे एक रजिस्ट्री की मिलता है, ये देखिए FL रजिस्ट्री की। उसको सेव कर लेते हैं हम लोग डेस्कटॉप में अभी, ठीक है। अभी मैं ये FL Studio ज़रा बंद कर देता हूँ। तो आप खोलने से पहले, FL Studio खोलने से पहले अगर आपने ये डाउनलोड करने के बाद आपने परचेज़ किया है तो सबसे पहले रजिस्ट्री की को आपको क्लिक करना पड़ेगा खोलने से पहले FL Studio। इसको डबल क्लिक करें, रन मारिए, यस, और आपको क्वेश्चंस आ गए, यस 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 मार लिए, और कीज़ एंड वैल्यूज़ कंटेंट इन सी यूज़र, ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसके बाद जब आप FL Studio खोलेंगे तो आपने जो नाम से रजिस्टर किया हुआ है वो नाम से आपका FL Studio आपको इधर दिखाई देगा। अभी देखिए मेरे इधर कोने पे DJ Neo दिख रहा है आपको, क्योंकि मेरा जो FL Studio है इस नाम पे मैंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। और दूसरा जो तरीका है, आप लोग जो FL Studio को ये कर सकते हो, जो है आप हेल्प में जाके अबाउट विंडो में डाके इधर देखिए, देखिए इधर लिखा हुआ है FL Studio इज अनलॉक्ड एंड रजिस्टर्ड टू DJ Neo, देखा आपने। तो इधर भी आप पासवर्ड डाल के, अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के, मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर उसके बाद अपना पासवर्ड डाल के आप इधर अनलॉक कर सकते हो। देखा, द रजिस्ट्रेशन सक्सीडेड, FL Studio विल नाउ क्लोज, द नेक्स्ट टाइम यू स्टार्ट FL Studio इट विल बी अनलॉक, डू यू वांट टू सेव योर करंट प्रोजेक्ट फर्स्ट, नो। तो अभी बंद हो गया FL Studio, और वापस आप खोलेंगे FL Studio तो आपके नाम पे वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं आपके पास जो आप इसको ख़रीदने के बाद आप अनलॉक कर सकते हो, ये देखिए। तो अभी मेरा FL Studio खुल चुका है। तो दोस्तों यही तरीका था कहाँ से हम परचेज कर सकते हैं FL Studio और कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपने देख लिया ये, और उसके हिसाब से आप म्यूज़िक प्रोडक्शन करना शुरू भी कर सकते हो। तो ये मेरे लिए छोटा क्वेश्चन नहीं था, बहुत लोग के लिए शायद छोटा क्वेश्चन होगा, लेकिन मुझे लगा दोस्तों इसके बारे में भी एक वीडियो बनाना चाहिए। हमने FL Studio तो बनाना शुरू कर दिया, सिखाना शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया यार कहाँ से हम लोग FL Studio खरीदेंगे और कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे उसको बेसिकली हम लोग सिखाएंगे। अभी तो सिखाना शुरू किया लेकिन मेन चीज़ तो हम भूल ही गए थे। तो वर्मा जी, होपफुली आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा और आपके क्वेश्चन से बहुत लोग को भी ये शायद फ़ायदा होगा। जैसे मैंने बोला, मेरे दोस्त लोग हैं जो गांव पे है और उनको अभी इंटरनेट मिला होगा शायद, और वो लोग ये प्रोडक्शन के बारे में पहली बार यूट्यूब में देख रहे होंगे और उनको इंटरेस्ट होगा म्यूज़िक बनाने में और म्यूज़िकल लाइन में। तो आप ज़रा अब देखिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ख़रीद लीजिए, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो आप डेमो वर्जन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इतना सा बोल के मैं चलता हूँ दोस्तों, धन्यवाद। जो भी नए लोग हैं जो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और मेरा मेंबरशिप का भी अभी
ऑप्शन आया हुआ है नीचे, आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप में मंथली एक छोटा पेमेंट देके, और आप लोगों को मैं एक्सक्लूसिवली सपोर्ट दूंगा, चाहे वो म्यूज़िक रिलेटेड हो कुछ भी हो। तो वो ऑप्शन में आप सेलेक्ट कर सकते हो कितना आप अफोर्ड कर सकते हो मंथली पेमेंट का, उसके हिसाब से हम अपना म्यूज़िकल जर्नी शुरू करेंगे। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज़ और राम राम।